नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उवज्जायाण, नमो लोय सर्वसाहूणम्। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततांजनानां। यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम्। आदिनाथ भगवान का वार्तालापात्मक गुणगान करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी बिल्कुल मानो इतने लंबे काल के पश्चात लाखों करोड़ों सागर के बाद आदिनाथ भगवान जैसे सामने ही हो वैसी स्तुति कर रहे हैं। और उस स्तुति में आचार्य महाराज ने 10 काव्यों तक तो भूमिका बनाई, 11वें काव्य से भगवान की छवि का वर्णन, 12वें में उसका रहस्य कि भगवान की छवि में ऐसी क्या बात है जो उनको देखने के बाद कहीं वैसा आह्लाद नहीं होता, उसका रहस्य खुला है। और उसके बाद 13वें काव्य में भगवान के मुखड़े का वर्णन किया और 14वें काव्य में भगवान के गुणों की बात प्रारंभ की। पहले तो यश का कथन किया कि संपूर्ण लोक में भगवान का यश व्याप्त है। और इसके पश्चात 15वें काव्य में भगवान के जो गुण हैं और भगवान का जो यश है उनमें सबसे प्रधान गुण ब्रह्मचर्य। जीवो बम्मा बम्बम हिचेव चर्या हविज्जा जदिनो तम जान बम्ब चेरम विमुक्त पर देह तत्तीये। प्राकृत भाषा की यह प्राचीन गाथा है जिसमें ब्रह्मचर्य का स्वरूप बताया कि ब्रह्मचर्य क्या वस्तु है। तो कहा कि जीव ब्रह्म है और उस ब्रह्म के प्रति साधु का जो आचरण होता है वह ब्रह्मचर्य कहलाता है, जिसमें अन्य शरीर से होने वाली तृप्ति छोड़ दी जाती है। एक ऐसे फूलों के बगीचों में हमेशा के लिए, एक ऐसे फूलों के बगीचे के द्वार पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया जाता है, क्योंकि उसकी सुगंध में इसकी सुगंध छूट जाती है। उस पर ताला लगाकर फिर अपनी साधना में चले जाते हैं। उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में जो चर्या है उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। और उस चर्या में सर्वाधिक बाधक वो वेद राग है। आचार्य सकल कीर्ति ने लिखा है कि जिसने इस राग को वश में कर लिया उसने आधा संसार जीत लिया। और फिर बाकी यात्रा तो रत्नत्रय से होती है, पूर्ण विजय तो यह रत्नत्रय से और निर्विकल्प समाधि से होती ही है।
तो वर्णी जी का स्मरण किया था कि उनके यहाँ पर कोई एक द्रौपदी नाम की कन्या थी, वो जहाँ निवास करते थे आसपास कोई रहती थी ब्राह्मण कन्या, और उसके नाम से बगीचा था, ऑर्चार्ड्स थे, फलों के बगीचे उद्यान, और पुष्करिणी थी यानी बावड़ियाँ थी। संपन्न परिवार की थी कन्या, लेकिन संगति का प्रभाव किसको दूषित नहीं कर डालता। अच्छी संगति में लोग सुधर जाते हैं, बुरी संगति में वे ही लोग गिर जाते हैं। पर गिरने के बाद किसी दिन उसके अंदर पश्चाताप उत्पन्न हुआ। भगवत गीता पढ़ी हुई थी, उसमें जो दूसरे अध्याय के अंदर सांख्य का वर्णन है, सांख्य तत्व का, उसको जानती थी वो। और उसने विचार किया कि आत्मा अभेद्य अच्छेद्य अखंड अविनाशी है, ये सच है, लेकिन आत्मा में ही विकृति उत्पन्न होती है और आत्मा ही पुरुषार्थ से निर्विकार बन सकती है। उसने सच्चे हृदय से उस दिन निर्णय कर लिया कि आज मैं वापस पवित्र बनूंगी। बहुत बड़ी घटना है ये, अपवित्र बनने के बाद पवित्र बनना बहुत कठिन होता है, लेकिन उसने निर्णय कर लिया कि आज मैं पवित्र बनूंगी। और कुछ पलों के लिए वो अंतर्लीन हो गई। अंतर्लीन होकर उसने सच्चे हृदय से जो कुछ करना था उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्रभाव आप अभी सुन लेना, परिणाम क्या निकलता है उस घटना का। उसने अपना शुद्धिकरण किया और शुद्धिकरण करके वो अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल गई। सारे गांव वाले उसकी यात्रा वाली बात को सुनकर हंसी उड़ाने लगे, और एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया कि 100 चूहे मारकर या 900 चूहे मारकर बिल्ली हंस को चली। वर्णी जी भी वहीं खड़े हुए थे उस भीड़ के बीच, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। द्रौपदी खड़ी हो गई और खड़ी होकर के उसने सारी जनता से कहा कि आपको जो चाहे आप समझते रहो, आप जो समझना चाहो समझते रहो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं बदल गई हूँ और मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकल रही हूँ, और अमुक स्थान पर इस नश्वर शरीर से मेरा नाता टूट जाएगा। लोग खुसर पुसर करते करते खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया, सब लोग उसकी ओर देखकर प्रतीक्षा करने लगे कि और कुछ बोलना चाहती हो तो बोले। तब उसने कहा कि मेरी शुद्धता की साक्षी दे करके जाऊंगी, जब से मैंने गलत रास्ता पकड़ा था, गलत संगति में पड़कर, वो संगति भी यहीं खड़ी हुई है। उसने संकेत किया एक व्यक्ति के प्रति, उसकी संगति में पड़कर मैंने 5 बार जीव हत्या की है। लेकिन आज मैं अपनी पवित्रता की साक्षी देने के लिए सिर्फ इतना कहती हूं कि मेरे नाम से जो बगीचे थे उसके फल सूंघने लायक नहीं थे, खाने की बात तो दूर, जब से मैं बिगड़ गई थी वो फल बिगड़ गए थे। और मेरे नाम से जो बावड़ी थी उसके पानी में जीव बिलबिलाते थे। मैं अभी वहां जाकर के नहीं आई हूं, लेकिन मैं अपने हृदय पर हाथ रख कर कहती हूं
कि यदि मैं शुद्ध हूँ तो जा करके देख लेना, वो फल मधुर होंगे और वो जल निर्मल होगा। चार लोग गए वहाँ पर, फल भी उन्होंने चखे और जल भी उन्होंने चखा, और लौट करके वो कुछ लेकर के भी आए साथ में फल और जल। वो बोलते हैं कि इतने मधुर फल हमने सिर्फ शास्त्रों में सुने थे, कभी चखे नहीं थे जीवन में, और ऐसा जल क्या बताएं, गंगा जल से कम नहीं है। वो चली गई और जिस स्थान को उसने चुना था, बोलकर गई थी कि मैं उस स्थान पर मेरे देह का विसर्जन हो जाएगा, कुछ लोग उसके पीछे देखने गए थे। उस स्थान पर जो पंडा था वो रोकने लगा कि रुको, यहाँ कहाँ आगे आ रही हो। तब उसने ओजस्वी वाणी में किंतु शांत स्वर में कहा कि ये मेरी अंतिम यात्रा है, आप व्यवधान मत डालो। वाणी के ओज का भी हृदय तक असर होता है। जो बात दिमाग से निकलती है वो कानों से टकराती है, जो बात दिल से निकलती है वो दिल को छूती है। उसी स्थान पर वही हुआ जो उसने कहा था। तो जब इस पंचम काल में भी संसारी प्राणी इस निर्मलता को प्राप्त कर सकते हैं, तो जिसका हृदय सत्यनिष्ठ है, जिसके अंदर ईमान है, वो जीते जी अपने को क्यों नहीं सुधार सकता। भावना प्रबल हो, ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है, हार मान ले तो कुछ भी संभव नहीं है, ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो हे भगवान, आपकी पवित्रता का तो क्या कहना, तपस्वी डिग सकते हैं लेकिन आपको कौन डिगा सकता है। इसके बाद भगवान के फिर अन्य गुणों का वर्णन है। जब ब्रह्मलीन होते हैं, शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, तो घाती कर्मों का क्षय हो जाता है और ज्ञान ज्योति प्रज्वलित होती है। कैसी ज्ञान ज्योति है, निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पुरह कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। हे नाथ, अपर दीपः असि त्वम्, आप कोई दूसरे ही प्रकार के दीपक हैं। क्यों, निर्धूम वर्ती, आप निर्धूम हैं और निर्वर्ती हैं, धुआं और बाती से रहित हैं, और अपवर्जित तैल पूरा, तेल नहीं भरना पड़ता आपके अंदर, तैल भरण से वर्जित है आपका स्वरूप। और इदम कृत्स्नम जगत्त्रयम्, इस समूचे त्रिलोक को प्रकटी करोषि, आप प्रकाशित कर डालते हैं। और चलिता चलानाम मरुताम न गम्य, पर्वतों को हिला डालने वाले तूफान भी आपको बुझा नहीं सकते, ऐसी ज्योति आपके अंदर जगमगा रही है। इसलिए हे प्रभु, जगत प्रकाश, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले अपर दीपह, कोई दूसरे ही दीपक त्वम असि, आप हैं। इसका पद्यानुवाद प्रभो आप में धुआन बत्ती और तेल का भी नापूर, तो भी इस सारे त्रिभुवन को आभा से करते भरपूर, बुझान सकती विकट हवाएं
जिनसे गिरी भी जाते कांप, अतः जिनेश्वर जगत प्रकाशक अद्वितीय दीपक हैं आप। ये जो प्रकाश की बात है, ये कौन सा प्रकाश है? अंतश्चित प्रकाश अथवा ज्ञान चेतना का प्रकाश, जिस प्रकाश में मोह राग और द्वेष का अंधेरा रंज मात्र भी अवशिष्ट नहीं है, ऐसा दिव्य प्रकाश, कैवल्य प्रकाश। और उसकी प्राप्ति के लिए पहले ही ब्रह्मचर्य की बात आ गई, क्योंकि जिन शासन में ब्रह्मचर्य के बगैर गुणस्थानों की श्रेणी का आरोहण असंभव है, शुद्धोपयोग उन्हीं को प्राप्त होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो बहिरंग ब्रह्मचर्य और एक अंतरंग ब्रह्मचर्य, एक व्यवहार ब्रह्मचर्य, एक निश्चय ब्रह्मचर्य, एक द्रव्य ब्रह्मचर्य, एक भाव ब्रह्मचर्य, ऐसे दो स्तरों के ब्रह्मचर्य होते हैं। बहिर्ब्रह्मचर्य साधारण वस्तु नहीं है, लेकिन मन को साधने वाले इसको साधते हैं। कैसे साधते हैं? जिह्वा को जीत करके, क्योंकि रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त करने वाला मन को जीतने में सक्षम होता है। प्रत्याहार नाम का एक योगांग है, अष्टांग योग होता है, उसमें प्रत्याहार नाम का एक योगांग है, जिसका अर्थ होता है शक्कर भरी चम्मच को 5 मिनट तक मुंह में डाल करके रखना, जीभ का पूर्ण स्पर्श होने देना, लेकिन 5 मिनट बाद जब शक्कर बाहर निकालो चम्मच के साथ, तो शक्कर गीली ना हो। रसना इंद्रिय विजय, ऐसी साधना जो कर लेते हैं वो ब्रह्मचर्य में निर्मल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मन साध लिया। जो हंसना और रोना थामने में सक्षम है, आंसुओं को भी रोक सकते हैं, हंसी को भी रोक सकते हैं, उनका मन सध जाता है। ये सब सरल कार्य नहीं है, अनुभव की बातें हैं, प्रयोग करने की बातें हैं। तो इस तरह उसके लिए भी अंदर की भावना अगर बदल लें तो ये कार्य कुछ गति पकड़ता है। जैसे एक आदत पड़ी अपने को कुछ अलग ढंग से किसी दृश्य को देखने की, उसको तोड़ना होगा। एक आदत को 30 दिन में मनुष्य तोड़ सकता है, ऐसा रिसर्च हुआ। और पश्चिमी देशों में जैक कैनफील्ड का कहना है कि 30 दिन में आप किसी भी आदत को तोड़कर अपने आप को बदल सकते हैं। तो उसमें ये था कि अगर जैसे हमारा व्यक्तिगत अनुभव, सबके अलग अलग अनुभव हो सकते हैं ब्रह्मचर्य को लेकर, एक जैसे अनुभव नहीं होते। इसलिए जो लोग लकीर के फकीर बनकर ब्रह्मचर्य को सिद्ध करना चाहते हैं वो विकारी ही बने रहते हैं, कोई सफलता नहीं मिलती उनको। हमारा अनुभव ये था कि माताओं को और बहनों को करुणा से और आदर की दृष्टि से देखें, कभी विकार नहीं आता। जब भी देखो करुणा और आदर से देखते हैं हम, तो फिर विकार नहीं आता। आप अपना प्रयोग करके देखिएगा, आप भी उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।